नमस्कार नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके समक्ष श्रम कानून भारतवर्ष में क्यों लागू हुए, इनकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है तथा इसका क्या लाभ श्रमिकों को मिल पाता है, इस विषय पर प्रकाश डालूंगा। सुनिए मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फैक्ट्री अथवा संस्थान में एक ओर आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष श्रमिक रहता है तथा दूसरी ओर एक सबल पक्ष नियोक्ता होता है, जिसके अधीन श्रमिकगण को कार्य करना होता है। इस कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप उन्हें मिलने वाले वेजेस, उन्हें मिलने वाले ओवर टाइम, उन्हें मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि जो कि कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप घटित दुर्घटना से संबंधित होती है, वो उन्हें दिलानी होती है तथा यदि कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को उसकी मृत्यु के संबंध में क्षति धनराशि का भुगतान नियोक्ता द्वारा न्यायालय में, श्रम न्यायालय में जमा करना होता है। यदि वो श्रम न्यायालय में नियत अवधि 30 दिवस के अंदर उक्त श्रमिक की क्षतिपूर्ति धनराशि जमा नहीं करते हैं तो उस पर पेनल्टी तथा इंटरेस्ट भी नियोक्ता पर अधिरोपित किया जा सकता है। मित्रों, एक बात यह कहूँगा कि इस पूरे प्रक्रिया में श्रमिक तथा नियोक्ता के मध्य यदि सामंजस्यपूर्ण आपसी संबंध है और नियोक्ता द्वारा ईमानदारी से उसके वेजेस, ओवरटाइम तथा क्षतिपूर्ति धनराशि, ईएसआई का कंट्रीब्यूशन तथा अथॉरिटी के समक्ष जाने पर मजदूरी की भुगतान अथवा मिनिमम वेजेस की राशि का भुगतान यदि नहीं किया जाता है तो उक्त राशि के विवाद के लिए उसे श्रम न्यायालय के समक्ष एक सादा आवेदन पत्र पर स्वयं आवेदन देना होता है, जिसमें कोर्ट फीस की आवश्यकता नहीं होती है अथवा अपने अधिवक्ता या प्रतिनिधि के माध्यम से या स्वयं खड़े होकर या विधिक सहायता के रूप में उसे न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। इन सब आधारों पर दोनों पक्षों के मध्य एक प्रकार का विवाद होता है, जो देयर इज़ ए फाइट बिटवीन टू थोरली अनइक्वल्स, वन इज़ एक्सप्लॉयटेड एंड अनदर इज एक्सप्लॉयटर। मित्रों, एक चीज़ और यह बताने योग्य है कि इन न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा लगभग प्रत्येक ज़िले में लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसीज निकाल कर की जाती है, जिसमें श्रम न्यायालय में एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होती है जिनमें विभिन्न पदनाम रहते हैं, जैसे पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत नियुक्त होता है, उसे विभिन्न अधिनियमों में जैसे वर्कमैन्स कंपनसेशन अधिनियम के अंतर्गत उसे कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन कहा जाता है, ईएसआई के अंतर्गत जज ईएसआई बोला जाता है, इसी प्रकार उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी अंडर आईडी एक्ट तथा न्यूनतम वेतन एवं वेतन से संबंधित मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत उसे अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है, अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस तथा अथॉरिटी अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट कहा जाता है। इन सभी अधिनियमों के ब्रीच की स्थिति में औद्योगिक संबंध अधिनियम की शेड्यूल 2A के अंतर्गत कई अधिनियम जैसे वेतन भुगतान अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट तथा अन्य छोटे छोटे जो ब्रीचेस शॉप एक्ट आदि के से संबंधित जो भी अधिनियम हैं, उन सभी में न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के अधिकार श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को दिए गए हैं, जिसमें वह उसे या तो अर्थदंड से अथवा जेल आदि की सज़ा कारखाना अधिनियम आदि में हीनियस ऑफेंसेस में दे सकता है। मित्रों, एक बात और महत्वपूर्ण यह है कि इन न्यायालयों की पृथक स्थापना का उद्देश्य यह है कि यह सभी प्रकरण श्रम न्यायालय के और औद्योगिक न्यायालय के अलावा सिविल न्यायालयों को इस कारण नहीं दिए गए कि वहाँ एक लंबी प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ता है और उस कानूनी प्रक्रिया में बरसों श्रमिक तथा नियोक्ता उलझे रहते हैं, क्योंकि उन न्यायालयों पर अत्यधिक ओवरबर्डन होता है, जबकि श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय के न्यायाधीश स्किल्ड इस विषय में पारंगत होते हैं और उन्हें
एक विभिन्न अधिनियमों की जानकारी होती है। इस कारण इन पृथक श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालयों को बनाया गया है और इसी आधार पर विभिन्न जगहों पर कहीं कामगार न्यायालय कहलाते हैं, कहीं श्रम न्यायालय कहलाते हैं। श्रम न्यायालय के न्यायाधीश को 6 माह के अंदर प्रकरण प्रस्तुत करने के उसका निराकरण करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार औद्योगिक न्यायालय में अपील आदि के प्रकरण में 90 दिन अर्थात 3 माह की समयावधि निराकरण के लिए रखी गई है। यदि इन दोनों न्यायालयों में विहित समय सीमा के अंदर प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाता है तो कारणों का उल्लेख करते हुए श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायालय का न्यायाधीश उन प्रकरणों को आगे कारण दर्शित करते हुए आदेशिका में बढ़ा सकता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह और है कि इन दोनों श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय के निर्णय, आदेश अथवा अवार्ड से यदि कोई पक्षकार व्यथित होता है तो वह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के अंतर्गत रिट फाइल कर उपचार प्राप्त कर सकता है। जैसा कि कहा गया है, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। इस प्रकार नेचुरल जस्टिस के तहत इन न्यायालयों के अंतर्गत उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए मेरिट्स पर प्रकरण का निकाल किया जाता है। यह सोशल लेजिस्लेशन में बनाए गए श्रम कानून हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीब, बेसहारा मजदूर जो आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर रहता है तथा अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर सकता है, उसे सही विहित सीमा में न्याय सही ढंग से प्राप्त हो और वह किसी प्रकार के अन्याय तथा शोषण से बच सके। इन आधारों पर इन न्यायालयों की पृथक स्थापना की गई और इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की पूर्ति के लिए पृथक न्यायालय के रूप में किया गया है। भारतवर्ष में अभी वर्तमान में मोदी सरकार के अधीन इन 40 से लेकर 44 श्रम कानूनों को कम करते हुए 4 कोडिफाइड श्रम कानून बनाए जा रहे हैं जो अभी संसद में पास होने के पश्चात सभी के समक्ष आएंगे। शेष विषयों पर मैं आगे के वीडियो में प्रकाश डालूंगा। थैंक यू।